पश्चिम बंगाल में इन दिनों महिलाओं के शोषण की खबरें काफी ज्यादा आ रही है। पिछले कई दिनों से लगातार ये माहौल गर्माता जा रहा है और इस मामले में बीएसपी के अध्यक्ष बहन मायावती जी ने भी ट्वीट किया था, उसके बाद अलग अलग कई सारे और भी लोगों ने किया, लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद आक्रोश काफी ज्यादा फैलता जा रहा है। ममता बनर्जी की सरकार और उनकी पार्टी टीएमसी पर कई सारे सवाल इसलिए भी खड़े किए जा रहे हैं क्योंकि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी टीएमसी या फिर ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से कोई स्पष्टीकरण या सही से कोई जवाब नहीं दिया गया है। अब इस मामले के अंदर टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी के एक नेता का बहुत ही शर्मनाक और दलित पिछड़े आदिवासी की महिला समुदायों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर जिस तरीके की अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी है वो की गई है। इस मामले के अंदर उन्होंने रंगभेद और जातिवाद जैसी टिप्पणियां की है। टीएमसी के नेता हैं, विधायक हैं नारायण गोस्वामी, उनके द्वारा ये टिप्पणी की गई है कि अनुसूचित जाति की जो महिलाएं होती है उनकी चमड़ी गोरी नहीं होती, जबकि जो ये महिलाएं दिख रही है उनकी चमड़ी है वो गोरी है, तो ऐसे में ये एससी एसटी की नहीं हो सकती। इस मामले के अंदर उनका जो बयान है वो सामने आया, उन्होंने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, टीएमसी के इस विधायक का नाम नारायण गोस्वामी है, उन्होंने बयान दिया कि दलित या आदिवासी महिलाओं को उनके शरीर और रंग से आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन संदेश काले में उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिलाएं गोरी है, इसलिए वह अनुसूचित जनजाति की नहीं हो सकती और जाति की नहीं हो सकती। तो ये आपको बता दें कि बड़ा बयान दिया उनकी तरफ से कि एससी एसटी की महिलाओं को अलग से पहचाना जा सकता है कि वो इतनी गोरी नहीं होती है, इस तरीके का आपको बता दें कि नारायण गोस्वामी का। हालांकि उन्होंने अनुसूचित जनजाति का नाम लिया, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहता हूँ कि अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी लोगों, साथ ही गरीब लोग चाहे किसी भी वर्ग के हो, सभी एकजुट है और एक साथ है। इस तरीके की टिप्पणी आपको बता दें कि एक विधायक के द्वारा किया जाना काफी ज्यादा असभ्य और अशोभनीय है, और वो भी उस समय जब राज्य के अंदर इस तरीके के घटनाओं उबाल पर आ रखी हो। टीएमसी के एक नेता के ऊपर ही इस तरीके के घटनाक्रम को अंजाम देने और उनके गुंडों को संरक्षण देने का आरोप लग रहा है, और उस आरोप के बावजूद भी अब टीएमसी के विधायक की तरफ से की गई यह टिप्पणी काफी ज्यादा चुभने वाली।